आ गए आ गए आ गए। बाप रे एकदम चढ़ी है। नहीं जानता रहा ना, जैसे जैसे आऊंगा ये देखेगी पगला जाएगी। घुमा दूं उसको। चल 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 चलो 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 आओ। अभी वो देख रही है सबको। तो बात कुछ 2019 की थी, जब ठंड के टाइम में मैं और आयुषी स्ट्रीट डॉग्स को उठाकर गोडाउन के टेरेस पे ले आते थे, उन्हें नहलाते धुलाते थे, फिर उन्हीं के साथ सारा दिन खेलते थे। तब फाइनली भैया को जाकर रियलाइज़ हुआ कि चलो ठीक है यार, इनके लिए एक डॉग ले ही आते हैं। हमारे पास दो ऑप्शंस थे उस टाइम, एक गोल्डन रिट्रीवर और एक सेंट बर्नार्ड। सबका मन गोल्डन रिट्रीवर के लिए ही था, बट हमें क्या पता था कि कैंडी को सिर्फ मेरे ही घर आना था। पता नहीं क्यों दिल अब भी ये मानने को तैयार नहीं है। मेरा दिल फट जाता है जब कोई आरआईपी लिखता है। आरआईपी क्या होता है यार, क्या होता है आरआईपी? मैं हूँ वहम में, मुझे वहम में रहने दो, मुझे नहीं मानना, मैं नहीं मानूंगी। 2 साल से कैंडी और मेरा लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा था। अब इसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागना कह सकते हो, पर हमारा रिलेशन सिर्फ कैंडी और मेरे बीच का ही था। जैसे मेरे होठों के ऊपर दिल है, वैसे उसके होंठ पे भी था। मेरी तरह लंबी चौड़ी, पागल और थोड़ी आलसी थी। एक बार तो गंदे तालाब मेरे घर के पीछे था, उसमें घुस गई थी अंधेरे में, जिसमें कोई जाने को भी तैयार नहीं था। फिर क्या, मैं कूद गई अंधेरे में, मैडम को उठा के लाया, उसको भी गाली पड़ी और मुझे भी। एक बार उसके नेल्स काट रही थी, गलती से उसकी स्किन कट गई, इतना खून बहा, मेरे घर के सब लोग उदास हो गए, सबका दिल रो दिया उस दिन। हमारे घर के हर कपड़ों में कैंडी के बाल और लार होते हैं। जब मैं योगा करती थी ना सुबह, इतना परेशान करती थी मुझे, जब मैं सूर्य नमस्कार करती थी तो मेरे ऊपर ही चढ़ के बैठ जाती थी। हाँ कभी कभी बीमार पड़ती थी वो, दवाई खाती थी, इंजेक्शन लगवाती थी, बॉटल्स भी लगी हैं उसे, फिर ठीक हो जाती थी। इस बार वो शाम को डैडी का कॉल आया, उन्हें बोला नहीं बच्चे की डॉक्टर कह रहे हैं बीमार है। मैंने अपनी रूममेट को बोला कि यार डैडी मेरे ऐसे ही बोलते हैं, कैंडी जा ही नहीं सकती, वो मेरे साथ ही रहेगी यार, मेरा क्या होगा उसके बिना। मैं चिल कर रही थी, फिर मेरी रूममेट के फ़ोन में चला रही थी एंड समवन टेक्स्टेड कि उसको बता दिया क्या। मुझे तब भी पता था कि मतलब इससे कैंडी से रिलेटेड कुछ नहीं होगा। एंड देन ही रिप्लाइड कैंडी का, और ये 2 वर्ड्स कैंडी का शायद मैं अपनी सारी जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। एंड देन मेरी बॉडी नम पड़ गई एंड आई वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। किसे पता था यार कि वो हमारी आखिरी हग होगी। मैं जब भी घर जाती थी वो मुझे गले लगा कर विदा करती थी। किसे पता था कि वो आखिरी बार था कि जब मेरे कपड़ों में उसके बाल थे। वैसे तो मेरे घर वाले और मैं कैंडी के ऊपर एक पूरी किताब लिख सकते हैं, पर कुछ लाइनें हैं जो मैंने कैंडी के लिए लिखी है। अपने छोटे छोटे कदमों से मेरे घर में बड़ी बड़ी खुशियां लेकर आई थी। नखरे तो मानो सर पे अपने चढ़ा कर लाई थी। सुबह उठकर सबको जगाती थी, फिर बड़े पापा से सबको डांट पड़वाती थी। ठंड में अंडे और घी खाती थी मैडम, गर्मी में कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम खाती थी। पानी पूरी वाले को देखकर तो मानो मचल ही जाती थी। वॉक करवाने जाओ तो लगता था ये हमें वॉक करवाने लाई है। चिल करने की किस्मत तो दीदी हमारी भर भर के लाई है। शेरनी सी दहाड़ और मोरनी सी चाल थी उसकी, आंखों में जैसे कचरे की धार थी उसकी। बिस्तर में रानियों की तरह सोती थी,
ठंड में उसकी नाक थोड़ी भीगी जरा होती थी। बाहर घूमना नहीं, अम्मा के साथ सीरियल देखना पसंद था उसको। पेडिग्री नहीं, इडली खाना पसंद था उसको। छोटी सी चूचू है मेरी, भौंकती है तो सारा घर गूंज जाता है, पर पटाखों से बहुत डरती थी मेरी बच्ची ना, थोड़ी मासूम थी। वैसे तो वो सबसे सिर्फ प्यार करती थी, पर अम्मा से इसका अलग ही प्रेम था। आज वो मेरा घर सोना करके चली गई, जिससे मेरे घर की रौनक थी। कुत्ते से सावधान अब किसके लिए लिखूंगी, कंघी अब किसके बालों पे फेरूंगी, मेरे आने पे कौन पूछ लाएगा, कौन मुझे प्यार से सहलाएगा, कौन मुझे सुबह को उठाएगा, कौन मुझसे गले लगकर ठंड में सोएगा, किसके लिए अब शाकाहारी घर में अंडा आएगा, किसको मैं कुनु नुनु बुलाऊंगी, दोस्तों के सामने किसकी शान बताऊंगी, गौरांग के साथ कौन खेलेगा, मेरे साथ यहीं तक था कैंडी, मेरा प्यारा बच्चा, मेरा सोना, मेरा बेटा, जहाँ आएगा खुश रहेगा। अब मेरे मोहल्ले के सारे बच्चे, सारे रिलेटिव्स चैन से मेरे घर आते हैं, क्योंकि उन्हें किसी का डर ही नहीं, क्योंकि उन्हें अटैक करने वाला कोई है ही नहीं। कभी कभी अब दिल करता है कि यार अब डॉग्स नहीं पालेंगे यार, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बहुत दुख होता है जब वो हमसे अलग होते हैं, मगर मेरा दिल ये जानता है कि एक डॉग के रहने से घर में कितनी पॉजिटिविटी, कितनी रौनक, कितना प्यार, कितनी स्माइल्स और कितनी सारी खुशियाँ होती हैं। हाँ, थोड़ा परेशान करती हैं, कभी खाना नहीं खाते हैं, कभी सोते नहीं हैं, कभी हल्ला करते हैं, कभी कभी इनके कारण हमें ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है, कभी कभी हमें इसकी उल्टी, कभी इसकी सूसू, कभी पॉटी साफ़ करनी होती है, मगर ये सब उसके प्यार से और उसके नखरों से बड़ा नहीं है। ऑन दिस नोट, मैं अपने पूरे फैमिली के बिहाफ में कैंडी को बहुत सारा आई लव यू, बहुत सारी पुच्ची और बहुत सारा प्यार देती हूँ। तू मेरे घर की रानी थी कैंडी, तू हमेशा मेरे घर की रानी रहेगी और तू मेरे घर की रानी अभी भी है। आई लव यू मेरा बच्चा।